दोस्तों, मुंबई इंडियंस की हार और अर्जुन तेंदुलकर को ना खिलाने पर सारा तेंदुलकर ने रोहित शर्मा पर दिया होश उड़ाने वाला बयान। तो आखिरकार मुकाबले के बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने क्या कहा है, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चेपॉक के स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे चेन्नई के प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे। जी हां, आपको बता दें, खेले गए इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए धोनी की टीम के सामने मुंबई इंडियंस ने केवल 140 रन ही बना पाई। 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला 17.4 ओवर में ही अपने नाम कर दिया। बता दें, इस मुकाबले के आकर्षण का केंद्र रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने विनिंग रन अपने बल्ले से बनाया। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की हार के बाद एक नाम बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, वो है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। बिना कारण बताए रोहित शर्मा ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है। पिछले दोनों ही मुकाबलों में अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सबका सवाल यही है कि आखिर अर्जुन को वो क्यों नहीं खिला रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर अब सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने भी अपने भाई के लिए बयान दिया है। आपको बता दें, मुकाबले के बाद सारा तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, मुझे नहीं पता अर्जुन को क्यों बाहर किया गया है। ये टीम मैनेजमेंट का फैसला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे खेलना चाहिए। अर्जुन ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसे जितने भी मौके मिले अपनी टीम के लिए बखूबी काम किया। मुझे लगता है वो और मैचेस डिजर्व करता है। वहीं दोस्तों, टीम की हार पर कहा, हार जीत लगी रहती है। मुझे लगता है हमारी टीम अगले मुकाबले में वापसी करेगी और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में भी पहुंचेगी। दोस्तों, मुकाबले के बाद जिस तरीके से सारा तेंदुलकर ने गुस्से में बयान दिया है, उनका यह बयान इस वक्त हर जगह वायरल हो रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा आगे के मुकाबलों में अर्जुन तेंदुलकर को मौका देते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई इंडियंस अब तक 10 मुकाबलों में 5 जीत हासिल कर चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।